हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आदित्य और आपका स्वागत है मिस्ट्री पैराडॉक्स पर। आज हम एक ऐसी जगह की खोज में निकलने वाले हैं जो कई सालों से हमारे लिए एक राज बनकर रह चुका है, एरिया 51। इस वीडियो को मैंने 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। पहले बात कर लेते हैं कुछ हिस्ट्री के बारे में। एरिया 51 एक रहस्यमय सरकारी हवाई अड्डे का नाम है जो नेवादा के प्रदेश में स्थित है। यह जगह US एयर फोर्स द्वारा प्रबंधित होती है और इसके बारे में कई थियोरीज और किस्से चलती हैं। कुछ कॉन्स्पिरेसी थियोरीज के बारे में भी बात कर लेते हैं। यह तो बड़ी अजीब बात है कि एरिया 51 के बारे में अनेक किस्से सुनने को मिलते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पर एलियन से संबंधित राज छुपाए गए हैं, तो कुछ लोग सोचते हैं कि यह सीक्रेट गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट्स की जगह है। इतनी बातें कर चुके हैं तो कुछ सिक्योरिटी मेजर्स के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। एरिया 51 के पास होने वाले सिक्योरिटी मेजर्स इतने खतरनाक हैं कि यहाँ तक पहुँचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सैटेलाइट इमेजेस में भी यह दिखता है कि यहाँ पर हाई वॉल्स, सिक्योरिटी गार्ड्स और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है ताकि इसमें कोई और अनजान व्यक्ति ना घुस पाए। अब हम आ जाते हैं अपने इस वीडियो की आखिरी सेगमेंट पर, जिस पे हम डिस्कस कर रहे होंगे पॉपुलर इंसिडेंट्स के बारे में। क्या आपने सुना है रोजवेल के UFO क्रैश के बारे में? कुछ लोग मानते हैं कि उस क्रैश से निकले एलियन को एरिया 51 ले जाया गया था और उनकी स्टडीज की गई थी। तो आते हैं अपने कॉन्क्लूजन पे। ये थी एरिया 51 के बारे में कुछ रोचक जानकारी। क्या सच में यहाँ पर कोई एलियंस हैं या फिर कुछ और? क्या ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है? हमें आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और क्यूरियस बनें।